एक दो फिर फोटो दीजिए सर। देखिए इस समय जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनावों की गूंज सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली को लेकर तमाम ज़मीनी हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है। 2014 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद आज तक 10 साल के लगभग समय हो चुका है, चुनाव नहीं करवाए जा रहे। 2018 में आप याद कीजिए पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार का पतन हुआ था। अगर वहाँ से भी हम समय काउंट करना शुरू करें तो 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को जो डोगरा रियासत, जिसको भारत का अभिन्न अंग कहा जाता था, देश का ताज कहा जाता है, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेह लद्दाख हमारे से अलग कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है, और हमारे साथ बहुत सारे उस समय वादे किए जाते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि बहुत जल्द आपको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, विकास किया जाएगा, बड़े बड़े निवेश जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे, अमन बहाली की जाएगी, हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों की जो है सुरक्षित घाटी वापसी कर दी जाएगी, आतंकवाद का अंत कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा वादा जो कहा गया था माननीय देश के गृह मंत्री जी की तरफ से सदन के पटल से कि अगला कदम अब पीओके होगा, हमारा पीओके को जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। देखिए इस समय लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। मैं कहता हूँ कि जनता के पास इस समय स्पेशल समय है, विशेष मौका है उनके पास कि वह अपने द्वारा जो सरकार द्वारा किए गए वादे थे उन पर सरकार से और जो प्रत्याशी आएंगे उनसे जवाब मांगा जाए, उनसे पूछा जाए कि हमारे वादों का क्या हुआ। अब अगले चुनाव भी सर पर हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे कब पूरे किए जाएंगे। इसी संदर्भ के अंदर हमने जो है एक कंपेन शुरू की है शिवसेना द्वारा के पहले अधिकार फिर सरकार। इस कंपेन के तहत हम जो है एक जनसंपर्क यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा का आगाज श्रीनगर से, कश्मीर के श्रीनगर से 9 मार्च को प्रेस इनक्लेव से किया जाएगा। जिला स्तर पर इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जम्मू से यात्रा 16 मार्च को आयोजित की जाएगी। सबसे पहले श्रीनगर में जाके इस यात्रा के तहत जनता से संपर्क साधा जाएगा सीधे तौर पर, और जनता को वो वादे याद दिलाए जाएंगे, उन नेताओं की याद दिलाई जाएगी जिन्होंने जनता के साथ जो है वादे किए गए थे और आज वो वादे जमीनी स्तर पर पूरे नहीं हो सके। लगातार हमारे से जो है सवाल पूछे जा रहे हैं आप पत्रकार भाइयों की तरफ से कि आगामी लोकसभा चुनावों में शिवसेना का जो है वो क्या रोल रहेगा, शिवसेना अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आपको साफ बता दूं कि हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, भूपुत्रों के अधिकारों की बहाली, और इसी संकल्प के साथ हमारे तमाम प्रत्याशी इन चुनावों के लिए कमर कसे बैठे हैं। तमाम नामों की सूची को जो है हमारे पक्ष प्रमुख और हाई कमांड के पास भेज दिया गया है, मात्र उनके निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। तो क्या